एक आदमी रखा हुआ है इस काम के लिए, ये हमारा अद्भुत सौंदर्य है। देखो हमारी भाषा का मजा है यार, हमारी भाषा का जो मजा है वो दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता। मैं सिरोही से पालड़ी जा रहा था, बहुत साल पहले की बात है, ये अद्भुत घटना जो अरुण सुना था ना उसको, ये यहाँ की घटना है जो मेरे साथ हुई, अद्भुत घटना, ये अद्भुत घटना है। पालड़ी जा रहा था, उस समय सफेद मावा कीटी पालड़ी में मिलती थी, शायद आज भी मिलती होगी, मुझे नहीं मिला। खरीदने जा रहा था, बस में खड़े थे, जगह नहीं मिली। आप सुनना मित्रों, बड़ी कमाल की घटना है, भाषा का सौंदर्य देखो। तो एक बासा बैठे थे खिड़की के पास, तो एक लड़का बैठा था, उसने बीड़ी लगाई और बाहर फेंक रहा था, वो बीड़ी बासा की धोती पे गिर गई तो जल गई थोड़ी। अब बासा देखे उसको, कोई बोले नहीं, धोती जल गई। अब लड़के को लगा के गड़बड़ तो हो गई है, धोती जल गई है इनकी। तो उसने कहा मैं बात शुरू करूँ ताकि थोड़ा मामला सेटल हो जाए। तो बासा क्यों गो माप रहो, क्यों वन्ने बालनो है। मैं चाहता हूँ हमारी भाषा के लिए, जो हमारा अद्भुत भाषा है, एक बार जो हमारी चलती है, इसका कमाल अलग है सर। क्या खूब, हाँ वो कविता आज सुना सकता हूँ, मुझे याद नहीं पर मैं सुना सकता हूँ। भरत उस कविता में सिरोही बहुत जगह आता है, वो कविता ही सिरोही के अनुभवों पे ही है, लेकिन कितनी देर और करना है बता देना उस हिसाब से। देखो यकीन मानो, मैं दुनिया में जहाँ जाता हूँ ये कहते हैं इतने पैसे लेता हूँ, हाँ लेता हूँ सब, छाती ठोक के लेता हूँ, सीना तान के लेता हूँ, लाखों रुपए लेता हूँ, क्यों नहीं लूँ। जब इस देश में कम कपड़े पहन के अश्लील नृत्य करने वालों को लाखों मिल सके तो कलम उठाने वालों को लाखों मिलने चाहिए। वाह वाह, क्या बात। और कलम उठाने वाले इधर भी बैठे हैं, कलम उठाने वाले इधर भी बैठे हैं, इन्हें मिलने चाहिए, क्यों ना मिले साहब। और लेता हूँ, जम के लेता हूँ। आपने कहा मैं कितनी देर सुनाऊँ, बाकी कहीं भी जाता हूँ मैं समय तय करके जाता हूँ, सिरोही की धरती है। यकीन मानिए जब तक नहीं कहेंगे इस स्टेज से हिलूंगा नहीं, और रंग में आ गया तो आज की रात भूलने नहीं दूंगा। वाह क्या बात, वाह। क्योंकि ये धरती वो यार, इसका एहसान मंद हूँ मैं, कभी यही बना मैं मेवाड़ में, मेवाड़ की धरती का एहसान मंद हूँ, जिसने मुझे मावली निम्बाड़ा जहाँ मैं पढ़ा और जहाँ से मेरी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हुई, बालोतरा मावली निम्बाहेड़ा मेवाड़ की धरती में पहली बार स्टेज पे जाके एक चुटकुला सुनाया, अनुभव किया पहली बार कवि सिरोही में। और सिरोही तो सातवीं क्लास से लेकर कानून तक मेरी सारी ज़िंदगी यहाँ निकली है, ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यहाँ निकला है, सबसे खूबसूरत यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। सरजावा गेट के बाहर एक दुकान होती थी अपना टी सेंटर, मुझे नहीं मालूम है या नहीं है, अजय है शाम को।